महासागरीय परिवहन, ठीक है। की हो रही है काम, ठीक है। कौन सो बोले अरे बनायो तो है थोड़ा छोटो, क्योंकि वर्ड छोटे हैं थोड़े सो, बट बैठा तो सही बार। देखो ये कौन सा महासागर है, प्रशांत। ये भी कौन सा है, प्रशांत। एक ही है दोनों, पृथ्वी मिला होगा दोनों एक जगह हो जाएगा। ये कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये कौन सा है, ये अपना है हिंदुस्तान वाला हिंद महासागर, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी है, अठ बीच में फिर एक महासागर है ओ, और इंगो नाम है पृथ्वी के बीच में आ मान लियो, और इंगो नाम है भूमध्य सागर। देखो हिंद महासागर का ही भाग पढ़े अपना कच्छ कारण खंबाती खाड़ी, हिंद महासागर कोई एक ओ भाग भी हिंद महासागर कोई है जिसका नाम है लाल सागर, बस इतना ही जरूरत है। देखो आरएस और एसआई के अंदर स्पेशल टॉपिक है, वो टॉपिक भी टप में ही आवा क्यों पढ़े डोई को नहीं रास्ता ना रपड़ डांस तो गणा इसोरा लागे, क्योंकि कभी मारना प्रताप आज यार कभी चंद्र सेन आ जाए या जानकार सा लागन लाग गया क्यों बोली पढ़ लिया, लेकिन आम काम कौन पढ़े डोए। एसआई और आरएस में स्पेशल टॉपिक है महासागरीय परिवहन, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, मैन मैन पढ़ लिया महासागरीय परिवहन लागे अपना सारो ही पढ़ लिया। देखो समस्त हो ये जब परिवहन की बात करें नहीं तो परिवहन में एक तो सड़क हुए, एक वायु परिवहन है, एक हुए। अब तीन माम पूछ लें सबसे सस्ता कौन सा है, अपन ज्यादा ध्यान रहे सड़क कारो, जबकि सौ सस्तो वो ये है। अरे एक खातर कोई रस्तो थोड़ी बनाना है, रस्तो तो ऑलरेडी है ही, बस हवाई पानी और जलिया नहीं बनाना है, रस्तो तो है ही, जबकि आपने सड़क चलाने खातर सड़क भी बनानी पड़ेगी रस्तो, इन वास्ते सबसे सस्ता कौन सा है। लेकिन एक फायदा ऐसा एक नुकसान भी है, टाइम बहुत ज्यादा लगे, गति धीमी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। यानी सबसे सस्ता कौन सा परिवहन है, महासागरी परिवहन, वो भी दो भागा बांटेड है भैया। अगर जल परिवहन की बात करें एक तो वो जो कोस्टल भाग के अंदर है और एक ये महासागरीय, क्योंकि थारे टॉपिक में सिर्फ वही दे रहे महासागरीय परिवहन। अब देखो आपने सारा ही देख लिया, पहले तो स्थल के अंदर देखा अठे एक देश है कभी नाम सुनियो है तो सबको सुने डे जर्मनी, और अठे एक पर्वत है यूरोप महाद्वीप में जिसका नाम है आल्पस, जी अपना हिमालय नहीं भी आल्पस पर्वत। अठो एक नदी निकले जिसकी नाम है राइन, जर्मनी फ्रांस बेल्जियम या करे तीन चार देशों के अंदर कर बैगा, ये सबसे मोस्ट है ये राइन, और हर बार लगभग पर्सनिंग हो याइडर राइन हो क्यों है। देखो जर्मनी के अंदर इस क्षेत्र में कोयलो सर्वाधिक निकले, जर्मनी का रूर क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर, और इन नदी में परिवहन क्या हो कोयले हुई, यानी इन नदी के अंदर कोयलो एक जगह दूसरे जगह ले जाए, इन वास्ते इन नदी को दूसरों नाम भी है कोयला नदी। सबसे व्यस्तम नदी बस यही है, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है, बस ये याद रहना चाहिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी राइन, राइन जर्मनी के कोयला नदी राइन राइन, ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्तम। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी क्या यांगसी भी कह दी। एशिया की सबसे व्यस्तम आई है चीन के अंदर है, पूर्वी चीन सागर में जाई पड़े तिब्बत तो निकले यांगसी नदी, एशिया की सबसे व्यस्तम नदी। बाकी प्रश्न है सिर्फ पापा ने इतना ही ध्यान रखना है विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है, बाकी हर देश में ही है जी हाँ, आपने भी है, आपने भी परिवहन है जी, गंगा नदी में सबसे लंबो परिवहन वो ही है इलाहाबाद उलेगी हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर, सबसे लंबो एनएच की जगह हो जागो एन डब्ल्यू वन, भारत सब लंबो एनएच कौन सो है, तो ध्यान रखियो सात को नहीं सात ने कर दियो 44,
यानी NH7 को नाम अप कर दिया है 44। और सबसे लंबो जलमार्ग वो है, एक नंबर ही है बस, NW, वो NH है, ओके हो गया NW, 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर है, ठीक है। अब देखो और है, बाकी हर देश में ही है, जैसे इमसाऊ वेस्तम नदी भी माने तो कांगोन माने, तो हर देश में, बाकी अपन ज्यादा मतलब कौन, सिर्फ एक ही पर्सन बनेंगे। अब बात करनी है कौन से परिवहन की, महासागरीय परिवहन की। देखो देखो महासागराम परिवहन बाई देशों के बीच में वो अंग माखी वह चीजा लियाई जाए, जिया मशीनरी है, और मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी है, दो दो तीन तीन कमरा जितनी लंबी है, वह अंग माई लियानी पड़े पानी आ जाएंगे अंदर ही मशीनरिया। तो सब ज्यादा परिवहन भी बाह देशों में होगा जिसका देश विकसित है, जब विश्व में अगर बात करा तो विकसित महाद्वीप में बात करा तो यूरोप को नाम आवे, और कौन सा नाम आवे, यही तो है विकसित महाद्वीप। अगर परिवहन वेगो तो ज्यादा अंग बीच में ही वेगो, यूरोप और ये बस ये प्रश्न पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर और अंटार्कटिक में ही बना, ऑप्शन देखो क्या तरीकों दिया, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर उत्तरी अंटार्कटिक, दक्षिणी अंटार्कटिक, प्रशांत और ये हिंद महासागर। तो अंटार्कटिक में ही कौन सो, ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर भी सब याद रहे, दोनों देश है, दोनों विकसित देश है, विकसित देश है बीच में, विशाल ट्रक मैदान बोले इन, विश्व का सबसे व्यस्तम उत्तरी अंटार्कटिक, अंग बीच में वह जरूर है लेकिन नॉर्मल है, देखो इनमें भी विकसित देश है और इस साइड में भी विकसित देश है जहाँ ब्राजील वगैरह। प्रशांत महासागर में बहुत कम हुए, कारण वो ही है। अब देखो देश कौन सा है प्रशांत महासागर में बात करें, थोड़ा सा विकसित एक जापान है, तो जापान और थोड़ा बहुत अमेरिका के बीच में हुए बस, क्यों बाकी और को नहीं। अब देखो सबसे व्यस्तम महासागरीय जलमार्ग तो है यू, अब देखो अब जिया मुंबई आना है कोई जलियान ने चालियो है लंदन, ठीक है, रस्तो के वेगो पुराणो रस्तो होया कर, तो यहां से चला ओलियो जी फिर के करियो, एक योजना चाली अठे एक देश है मिस्र, सबसे मोस्ट चीज यही है, बार बार पूछी जा चुकी है। देखो अठा थोड़ो सो गैप है, देखो इन्हें भूमध्य सागर है ही, ठीक है, इस साइड भूमध्य सागर हो गयो, इन्हें कौन सो सागर हो गयो, लाल सागर, अठे एक नहर बना दी और भी नहर को नाम है स्वेज नहर का, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, नंबर पहला प्रश्न ज्यादातर वही पूछेड़ है, स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, भूमध्य लाल, भूमध्य और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। देखो इंगो जो को इंजीनियर भी फेमस हो, क्योंकि इंगो इंजीनियर हो फर्डिलेड डी लेसेप्स, फर्डिलेड डी, अब नाम ही चाहिए भी क्यों अपरला, तो का इंजीनियर कालियो दौड़ियो सोरा याद हो जाए सारा, अगर नाम ही चाहिए, इंजीनियर ऑफ फर्डिलेड फ्रांस गो फर्डिलेड डी लेसेप्स, फर्डिलेड डी लेसेप्स, फर्डिलेड डी लेसेप्स याद होना चाहिए, इंजीनियर बहुत मोस्ट है। देखो अन शुरुआत करी 1859 में और 10 साल लग गया इंगमा, 1869 में जाके पूरी हुई, लगभग है 162 किलोमीटर या नहर स्वेज नहर, इनकी है एक टाइम में सिर्फ एक ही जलियान जा सके, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा को नहीं, एक टाइम में सिर्फ एक जलियान, यानी पूरे दिन में मात्र कितना जलियान जा सके, एक जलियान ने पार करने में स्वेज नहर ने भी 12 घंटा लगे, क्यों लागे, ये वजह लागे क्योंकि ज्यादा स्पीड कौन चला सके यहां अटकर, क्यों बनाई डी तो है पक्को इंतरी को बनाए डे पूरा पूरा जलियान ही ना उड़े, ज्यादा चौड़ाई को नहीं है, बजू सिर्फ एक ही जलियान जा सको। अब देखो जिया ही बन गयो अब क्या वेगो, ओ लंदन आरो चालियो स्वेज नहर पार कर दी, भूमध्य सागर में आ गयो, अब मिस्र आ कहो, मिस्र का दीनियो क्षेत्र जमीन मिस्र गेट है, मिस्र बोले मेरे की फायदो है, तो आ कहो भी अगर कोई एशिया महाद्वीप कोई जलियान आयो बोट तेर कन रुक जागो, ई साइड आयो वो भी तेर कन रुक जागो, इन वास्ते मिस्र ने बोले एशिया और यूरोप का जंक्शन रुकना स्थान,
एशिया यूरोप का जंक्शन, और मिसरिंग फेयर कर दिया 1956 में राष्ट्रीयकरण। स्वेज नहर को एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। लाल सागर, भूमध्य सागर, फर्डिलेड 162 किलोमीटर 1959-69 और राष्ट्रीयकरण 56। अब वो जलियान आ गयो, और देखो इतनी दूरी बच गई, यानी बार तो मुंबई हूं और लंदन जाने में वो एक्स्ट्रा टाइम तो लाग तो आधो महीनो 15 दिन लगभग, और लगभग 7500 किलोमीटर दूरी बच गई, प्रत्येक गली बच गई। अब देखो विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक, लेकिन सबसे लंबा ये है यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय जलमार्ग, वही नाम है उसी दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय जलमार्ग तो हो गया यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, लाल सागर जलमार्ग, और सबसे व्यस्तम कौन सा हो गया। अब देखो जी हाँ, अमेरिका को सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, और इली साइड में जी एक है सैन फ्रांसिस्को, मान लियो सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह, इन्हें 98, क्योंकि अभी गाड़ियां के अंदर तो नॉर्मल चीजा ले जा, बड़ी बड़ी मशीना है बन गाड़ियां के अंदर थोड़ी ले जा, जगह की 100-100 फुट तो लंबी हुए बन जलियाना ले जानी पड़े। अब वो जो न्यूयॉर्क और आयो और इन अगर सैन फ्रांसिस्को जाना है तो और रस्तो है, देख लियो लगभग 14-15 हजार की उड़ाई पड़ेगी बेचारे। फिर के करियो अठे एक देश है पनामा, इन्ना हो गया अटलांटिक महासागर, इन्ना हो गया प्रशांत महासागर, अठे फिर एक जोड़ के एक नहर बना दी और नहर को नाम किए